एनर्जी है E3 माइनस HE2, ये किसके बराबर होगी? H न्यू, और न्यू बराबर होगा कितना? C अपॉन लैम्ब्डा, ये हो जाएगा HC अपॉन लैम्ब्डा। ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 12.4 वैल्यू भी आपके पास, इसका मतलब कितनी हो गई? 12.4 इलेक्ट्रॉन। आपको बताना है किसकी वैल्यू? लैम्ब्डा की वैल्यू। यहाँ से लैम्ब्डा किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ गया। क्वेश्चन में दिया है द एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट कौन सी हो गई? 7/2 H cut omega वाली, यानी कि E3 7/2 H cut omega। ये हमें गिवन है, कितनी है ये? 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी निकालनी, तो 7/2 H cut omega इक्वल्स टू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ किसकी? ई की। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला निकालूँ, इसको एच न्यू फॉर्म में लिखूँ, तो इसको लिख सकते हैं हम E3 इक्वल्स टू 7/2 H nu, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एच कट को एच अपॉन 2π, ओमेगा को 2π nu। तो यहां से न्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2E3 अपॉन 7H। मैं यहां पर वैल्यू डाल दूंगा E3 की, तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E3 की वैल्यू कितनी है? 4.1। तो 4.1 इंटू 1.6 इंटू 10^-19, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जून में कन्वर्ट कर दिया। और 7 का 7, एच की वैल्यू कितनी हो गई? 6.64 × 10^-34। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, इसको मैं सॉल्व करूँ 3 हर्ट्ज़। चेक कर लेना भाई एक बार, मैच नहीं कर रहा है तो इसको आप चेंज कर लेना, ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप चेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इफ द ट्रांजिशन एनर्जी फ्रॉम थर्ड स्टेट टू सेकेंड स्टेट। थर्ड स्टेट से सेकेंड स्टेट, तो थर्ड स्टेट का मतलब क्या है? थर्ड स्टेट का मतलब हो गया कि आपने n की वैल्यू 3 रख दी, 3 रख दी थर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड स्टेट टू सेकेंड स्टेट। तो थर्ड का मतलब हो गया 7/2 है ना, तो थर्ड का मतलब हो गया 7/2, n की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 × 6 7/2 H cut omega। और सेकेंड का मतलब हो गया, सेकेंड का मतलब n की वैल्यू आपने 2 रख दी, तो ये हो गया 5/2 H cut omega, ये हो गया। तो व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी? तो आपको पूछा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताओ, यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी? ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी एच कट ओमेगा अपॉन 2, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो 3 से 2, तो E3 माइनस E2 जब आप करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना? एच कट ओमेगा। और ये एच कट ओमेगा जो आपको गिवन है ये कितना है? 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको क्या निकालना है? एच कट अपॉन ओमेगा अपॉन 2। तो एच कट ओमेगा अपॉन 2 निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा बी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी हुई है हमें, कौन सी एनर्जी दी हुई है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू हो गई एच कट ओमेगा अपॉन 2 या फिर एच न्यू अपॉन 2। और ये वैल्यू हमें कितनी दी है? ये दी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द ऑसिलेटर अंडरगोज, एक मिनट, इफ द ऑसिलेटर अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 3 टू n इक्वल्स टू 2, E3 माइनस E2 वो किसके बराबर हो जाएगा? एच न्यू लेवल बाय एमिटिंग अ फोटोन। क्या निकाल कर जा रहा है? 3 से 2 में फोटोन निकाल कर जा रहा है। तो ये जो एनर्जी है E3 माइनस HE2, ये किसके बराबर होगी? एच न्यू, और न्यू बराबर होगा कितना? सी अपॉन लैम्ब्डा, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्ब्डा। तो हमें बताना है व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन। तो हमारे पास यहाँ पर एच न्यू अपॉन 2 की वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू को आप चेंज करके लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? एच सी अपॉन लैम्ब्डा और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 12.4। तो ये वैल्यू भी आपके पास, इसका मतलब कितनी हो गई? 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। आपको बताना है किसकी वैल्यू? लैम्ब्डा की वैल्यू। तो यहाँ से लैम्ब्डा किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ गया एच सी अपॉन, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच सी, एच की वैल्यू 6.64 × 10^-34, सी की वैल्यू 3 × 10^8, और ये कितना हो गया? 12.4, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 × 10^-19। तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100 nm, 100 नैनोमीटर, यानी कि 100 × 10^-9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल गिवन बाय वी एक्स इक्वल्स टू इनफाइनाइट फॉर एक्स लेस देन जीरो और वी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर अपॉन टू फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो. द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हैज एन एनर्जी. देखो भाई अब यहां पर जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर होता तो इस तरह से, ये ऑसिलेटर है. अब इसमें एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो ये वाली साइड होगी और ये एक्स ग्रेटर देन जीरो वाली है. तो ये वाली साइड खत्म हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि वी एक्स यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट है यहां पर. तो ये जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल है ये केवल एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है. वर्क ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, ये केवल एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है. तो अगर यहां पर एन की वैल्यू वन है तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी होगी? दो. यहां पर एन की वैल्यू तीन है तो यहां पर कितनी होगी? चार. यहां पर पांच है तो यहां पर कितनी होगी? छह. यहां पर कितना चलेगा? एक तीन पांच सात, ये स्टेट चलेगी. तो हमें पूछा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट जो है इसकी वो कितनी हो गई? वन. इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो कितनी हो गई? वन. ग्राउंड स्टेट हो गई इसकी वन और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई इसकी थ्री. इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो कितनी हो गई? एन इक्वल्स टू वन. और फर्स्ट स्टेट जो हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी एन इक्वल्स टू थ्री. हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है ई इक्वल्स टू एन प्लस वन बाय टू एच कट ओमेगा. यहां पर एन की वैल्यू डाल दो, एन की वैल्यू कितनी डालो? तीन. यहां आंसर आ जाएगा हमारे पास सेवन बाय टू एच कट ओमेगा. एच कट ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है? अंडर रूट के अपॉन एम. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सेवन बाय टू एच कट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के बाय. हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी. तो बी हमारे पास करेक्ट. इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड अ चार्ज क्यू प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू ई नॉट आई. पार्ट फ्रॉम द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड री स्टोरिंग फोर्स करस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल वी एक्स इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स ऑन द पार्टिकल. तो एक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से भी. वो पोटेंशियल एनर्जी को मैं कैसे लिखूंगा? माइनस एफ इंटू एक्स. और क्योंकि ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई नॉट. तो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वी एक्स, उस वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा क्यू ई नॉट एक्स. इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास बचता है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ये बनेगा टू क्यू ई नॉट, टू क्यू ई नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये वैल्यू हमारे पास बन गई, ठीक है, ये वैल्यू बन गई हमारे पास. यहां से इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम? इसको चेंज करने के लिए अगर मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखूं ऐसे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी तो मैंने लिख दिया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर ऑन, इधर लिख दिया मैंने एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर और यहां पर एम स्क्वायर कर देता हूं इसको, तो कर दिया मैंने एम स्क्वायर. ये वैल्यू हो जाएगी एम स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा पावर फोर. तो टू क्यू ई नॉट ऑन ये हो गया एम ओमेगा स्क्वायर एक्स. यहां पर ये जो है ये बन जाएगा एक्स माइनस क्यू ई, एक्स माइनस क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स माइनस क्यू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको बनाने के लिए मैंने अगर यहां पर ये ऐड किया है तो मेरे को ये माइनस भी करना पड़ेगा, तो मैं माइनस कर दूंगा. माइनस कितना कर दूंगा? सेम वैल्यू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर ऑन एम स्क्वायर और ओमेगा पावर फोर, ये मैंने माइनस भी कर दिया. तो यहां से मेरे पास वैल्यू बन जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स माइनस ये हो गया क्यू ई नॉट ऑन एम ओमेगा स्क्वायर और स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर. यहां पर भी नॉट कर लो इसको ई नॉट, ये भी हो जाएगा E नॉट और अपॉन ये हो जाएगा एम स्क्वायर और ओमेगा पावर फोर, ठीक है. ये क्या बन जाएगा? एम
स्क्वायर और ओमेगा पावर 4। यहां पर जो शिफ्ट है वो शिफ्ट लग रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको मैं अगर एक्स प्राइम मान लेता हूं, इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं एक्स प्राइम, इसका मतलब जो ओरिजिन है वो शिफ्ट हो गया है। इतनी वैल्यू से शिफ्ट हो गया क्यू ई नॉट अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर से। इसको मैं लिख सकता हूं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ये हो गई क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर अपॉन ये आ गया एम स्क्वायर ओमेगा पावर 4। ओमेगा पावर 4 तो यहां से ये शिफ्ट हो गई। तो व्हेन व्हेन एक्स डैश इक्वल्स टू 0, पोटेंशियल जो हमारे पास बच गया वो बच गया क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर ऑन एम स्क्वायर ओमेगा पावर 4, ये वैल्यू बन गई हमारे। हमारे पास जो एनर्जी है वो एनर्जी की वैल्यू शिफ्ट हो गई, और शिफ्ट होकर हमारे पास एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कांस्टेंट शिफ्ट जो हो गया हमारे पास वो हो गया ये, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, एन प्लस 1/2 एच कट ओमेगा, और उसमें ये शिफ्ट लग गया, तो ये शिफ्ट कितनी हो गई क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर ऑन एम स्क्वायर ओमेगा पावर 4, ये वैल्यू हमारे पास आ गई ना, और ये वैल्यू किसकी आ गई है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, जो हमारे पास एनर्जी शिफ्ट है उसकी वैल्यू आ गई। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।